हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट हरी मिर्च, जो बहुत ही क्विकली बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे खाने के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमीदास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ हमीदास किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये हमने 100 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्च ली है, और ये हरी मिर्च को हमने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। इसके पीछे से हमने डंठल को कट कर लिया है और इसे दो पीस में इस तरीके से कट कर लिया है। अब गैस पर हम तवे में 1/4 चम्मच मेथी के दाने लेंगे, 1/4 चम्मच जीरा, इसे थोड़ा सिकने देंगे। हल्का ये सिकने के बाद इसमें हम 1/2 चम्मच सौंफ डालेंगे। गैस हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि सौंफ को हमें सेकना नहीं है। बस हल्का इसे इसमें करेंगे, चलाएंगे, ताकि ये अच्छे से दरदरा पिस जाए हमारा। और इसे बारीक नहीं पिसना है, हमें दरदरा ही पिसना है। अब हम गैस पर एक पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे, और सरसों का तेल इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और गैस की फ्लेम को हमने लो मीडियम पे रखा है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच काली सरसों डालेंगे, 2 चुटकी हींग, सरसों के पकने पर हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च को हम ऑयल में फ्राई होने देंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर। अब जो हमने सौंफ, मेथी और जीरे का पाउडर है वो हम इसमें डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और चलाएंगे। देखिए, चाहे तो आप साबुत मिर्च भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कट करके बनाएंगे इस तरीके से तो अंदर तक इसका मसाला अच्छे से लग जाएगा। अब इसमें हम 1/2 नींबू का रस डालेंगे। और देखिए, नींबू का रस डालने से जो हमारी ये हरी मिर्च है वो बहुत ही टेस्टी चटपटी बनेगी। अब इसे हम ढककर लो फ्लेम पर 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट बाद ये मिर्च हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है और बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया ये बनी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए, ये हमारी इंस्टेंट मिर्च रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल क्विकली बन जाती है। आप इसे 5 मिनट के अंदर बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे खाने के साथ बना के खाइए और अपने खाने का टेस्ट दुगना कर दीजिए। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीदियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमीदास किचन को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट में भी भेज सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक यू।